अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग ढेर सारे बांगड़ा फिश पका के रखे थे। जी हाँ, एक्चुअली मेरे पास ही बांगड़ा फिश मसाला ग्रेवी करी जो ट्रेडिशनल वे में बनाए थे हम लोग, उसका मज़ा चख के बताएंगे पहले आपको। बांगड़ा फिश को इस तरह से अगर ग्रेवी, हम लोग इसी रेसिपी को हम लोग एक ड्रॉप ऑयल भी इस्तेमाल नहीं करके हम लोग बनाए थे। बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बना है। इसी मज़ेदार रेसिपी को हम लोग आपको दिखाएंगे। चलिए, आज हम लोग मैकरेल फिश का जो ट्रेडिशनल वे में जो ग्रेवी करी रहता है उसका प्रोसेस बताएंगे। इसी फिश को हम लोग बांगड़ा फिश कहते हैं। उसके लिए जो मसाले की प्रिपरेशन का प्रोसेस है, उसके लिए पहले हम लोग कोकोनट पाउडर, जो फ्रेश कोकोनट से हम लोग उसको चॉप करके निकाले थे, उसी कोकोनट पाउडर को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग ड्राई रेड चिल्ली ऐड करेंगे। ड्राई रेड चिल्ली के साथ साथ इसी में हम लोग ब्लैक पेपर कॉर्न्स और क्यूमिन सीड्स भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट कोरिएंडर सीड्स। इसी मसाले प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम लोग इसमें टैमरिंड पेस्ट या टैमरिंड जूस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग सॉल्ट के साथ साथ टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग अदरक और लहसुन भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग ऑनियंस भी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा ऑनियंस ऐड करिए। कोकोनट पाउडर बनाते वक्त ही हम लोग अलग से कोकोनट मिल्क भी निकाले थे, उसी मिल्क को इसमें ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग पेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मसाला पेस्ट प्रिपरेशन तो हो गया है। इसी पेस्ट को हम लोग पकाने के लिए बाउल में हम लोग पहले पानी ऐड करेंगे। इसी पानी में जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी को 1 आवर तक हल्के से आंच पे पकाए बाद नेक्स्ट इसी में हम लोग सारे फिश पीसेस ऐड करेंगे। इसको और भी टेस्टी करने के लिए फिर से थोड़ा सा कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे।
रेसिपी परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसको हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह रेसिपी इतना मज़ेदार लग रहा है, पीसेस देख रहे तो जल्दी खाने को दिल कर रहा है ना। इमीडिएटली हम लोग नीडी पीपल तक पहुंचेंगे वाइट राइस के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इमीडिएटली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए आज का वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर पे भी बना के देखिए आपको कैसे लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।